मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम ली रहता है, वो अपने पेरेंट्स के झगड़ों में मेंटली डिस्टर्ब रहती थी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती थी। उसके पेरेंट्स जब भी लड़ते थे तो वो उनकी लड़ाई से डर जाया करती थी और इरिटेट होकर खुद को नुकसान पहुंचाया करती थी। लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करते बहुत बार देख लेती है और उन्हें ली के लिए बहुत घबराहट होती है कि वो किसी दिन खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। दरअसल ली खुद को मारने का भी ट्राई कर चुकी होती है। ली को सेफ रखने के लिए उसकी मॉम घर के किचन की सारी नुकीली और धार वाली चीज़ें छिपा कर रखती है। पर ली की मॉम को एक बात नहीं पता रहती कि ली अपने पास एक बॉक्स रखा करती है जिसमें अलग अलग तरह के नाइफ और बाकी चीज़ें रहती है, जिससे ली अपने आप को नुकसान पहुंचाया करती थी। पर अपनी मॉम को खुद के लिए परेशान देकर ली अपने आप को बदलने की कोशिश करती है और इसके लिए वो टाइपराइटिंग सीखती है और अपने पूरे बैच में टॉप करती है। एक दिन ली को एक न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखती है जिसमें एक लॉयर को एक सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। ली उस ऐड के मुताबिक अगले दिन उस लॉयर के ऑफिस में जाती है, पर ऑफिस में एंटर करते ही वो देखती है कि वहाँ की जो पिछली सेक्रेटरी थी वो रोते रोते हुए बाहर आ जाती है। इसके बाद ली की मुलाकात उस लॉयर से होती है, उसका नाम एडवर्ड ग्रे रहता है। ग्रे ली को इंटरव्यू लेना शुरू करता है और इसी बीच वो ली से कहता है कि वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है और जिस काम के लिए वो आई है वो बहुत ही बोरिंग है, वो बस पूरे दिन टाइपराइटिंग पर बैठकर टाइप करना रहता है। ग्रे ली के सामने उसके काम की बहुत बुराई करता है, पर ली फिर भी जॉब करने को तैयार होती है। उसे बस एक ऐसा काम चाहिए जिससे वो अपना ध्यान बाकी की चीज़ों से हटा सके। काम मिलने के बाद ली रोज़ ऑफिस जाने लगती है और ग्रे उसे जो भी काम करने को कहता है वो बिना सवाल के उसकी हर बात को मानती है। दूसरी तरफ ली की मॉम भी अपनी बेटी को बदलता देख उसके लिए खुश रहती है। इधर कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि ग्रे BDSM का एडिक्टेड है और वो एक डोमिनेटेड है जिसके सामने अगर कोई उसकी हर बात को माने तो वो सेक्सुअली एक्टिव होने लगता है और उसकी गलती करने पर उसे पनिश करने में उसे बहुत मज़ा आता है। शुरुआत में ली को ग्रे के नेचर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है और अनजान में ली ऑफिस के शुरुआती दिनों में टाइप में मिस्टेक करती आ रही है जिससे ग्रे ली की ऐसी हरकतों से सेक्सुअली एक्टिव होता रहता है, पर वो खुद को हर बार कंट्रोल कर लेता है। दोनों की लाइफ में इतनी डिस्टर्बिंग होने के बावजूद भी हर चीज़ नॉर्मली तरीके से चल रही होती है। इसी बीच एक ग्रे ली के पैरों में कट मार्क्स देखता है और उसे पता चलता है कि ली खुद को नुकसान पहुंचाया करती है। उसके बाद ग्रे ली को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो आज के बाद कभी भी खुद को तकलीफ़ नहीं देगी। इसके बाद दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और एक दिन जब ली टाइपिंग में गलती करती है तो ग्रे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ली को अपने कैबिन में बुलाकर सेक्सुअली तरीके से पनिश करता है, जिससे ली को भी अलग तरह की फीलिंग आती है और वो उसके बाद लगातार जानबूझ के ग्रे के लिए हर काम में गलती करने लगती है और हर बार ग्रे ली को अलग अलग तरीक़ों से पनिश करता है। ली को ग्रे के बिहेवियर से कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर ली अपने लिए जैसा पार्टनर चाहती थी ग्रे वैसा ही था और इन्हीं सब के बीच ली को ग्रे से प्यार हो जाता है। पर ग्रे को जैसे ही फील होता है कि उसके अंदर ली के लिए फीलिंग्स आ रही है तो वो ली से दूर रहने लगता है और उसके बार बार गलती करने पर भी उसके सामने नॉर्मल बिहेव करने लगता है। ग्रे के इग्नोर करने पर भी ली भी जान पूछ कर और भी ज़्यादा गलतियाँ करने लगती है, पर ग्रे खुद को कंट्रोल करते रहता है और अपने इमोशन को ली के सामने नहीं आने देता है। आखिर में ली ग्रे को उकसाने की आखिरी ट्राई करती है और उसके लेटर में एक आर्ट फॉर्म डाल देती है, जिससे देखने के बाद ग्रे खुद को रोक नहीं पाता है और ली को तुरंत कैबिन में आने के लिए कहता है। ली ये सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत ग्रे के कैबिन में चली जाती है। ग्रे ली से कुछ नहीं कहता है और उसके सामने मास्टरबीट करने लगता है और फिर ग्रे ली को वहाँ से चले जाने को कहता है। इस हरकत के बाद ग्रे को अपने बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो ली को जॉब से निकाल देता है। ली ग्रे को समझाने में बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, फिर भी ग्रे उसकी बातों को नहीं सुनता है और ली उसे कहता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, उससे दूर ही रहना चाहिए। ली भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, पर वो घर वालों को कुछ नहीं बताती है कि उसकी जॉब चली गई है। वो हर रोज़ सबके सामने तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती रहती है ताकि उसके घर वाले उस पर शक ना करें। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ली डिप्रेशन में के कारण प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर एक दिन जब वो अपने शादी का ब्रेडिंग ऑन पहनती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो ग्रे के बिना नहीं रह सकती है, जिसके बाद ली का ब्रेडिंग ऑन पहनकर ही ग्रे के पास चली जाती है और उसे बताती है कि वो उसके बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती है। ग्रे ली की बात नहीं मानता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर इस बार ली ग्रे की बात नहीं मानती है और उसके सामने ही बैठी रहती है। ग्रे ली से कहता है कि वो जिस तरह का रिलेशनशिप चाहता है वो उसे नहीं दे सकती है। ग्रे ली से कहता है कि उसने
जिस तरह के पनिशमेंट उसके साथ परफॉर्म की है वो बस कुछ ही देर के लिए किया जा सकता है, और आगे जब उसके डिजायर्स और बढ़ेंगे तो वो पनिशमेंट को झेल नहीं सकती, वो पूरे दिन पूरे सप्ताह पनिशमेंट नहीं झेल सकती। तो ग्रे की बात सुनकर ली उससे कहती है कि वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। ली की जिद को देख कर ग्रे उसे टेबल पर हाथ रखने को कहता है और उसे उसी तरह बैठे रहने को कहता है जब तक वो वापस ना आ जाए, और यह कहकर ग्रे अपने कैबिन से बाहर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ली के बॉयफ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है कि ली उसके कैबिन में बैठी है। ग्रे की बात सुनकर ली का बॉयफ्रेंड तुरंत ऑफिस में आता है और ली को वहां से चलने के लिए कहता है, पर ली उसका साथ जाने से मना कर देती है। ली का बॉयफ्रेंड ली के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर फिर भी ली अपना इरादा नहीं बदलती है और अपने बीएफ को वहां से भागा देती है। और ये सब ग्रे अपने कैबिन के विंडो से देख रहा होता है। इसी तरह ली के बैठे बैठे एक दिन बीत जाता है, जिसके बाद ली को समझाने के लिए उसके घर वाले आते हैं और उसके पड़ोसी भी आते हैं और उसे अपने प्यार के लिए मोटिवेट भी करता है। ली को बाथरूम जाने की भी अलो नहीं होता है, क्योंकि अगर वो टेबल से अपना हाथ हटा लिया तो उसका टास्क इनकम्प्लीट हो रह जाएगा और वो फेल हो जाएगी। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। ली के करेज को देखकर न्यूज़ वाले भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ली किसी हंगर स्ट्राइक पर बैठी है। सभी लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं। तभी ग्रे वहाँ से आ जाता है और ली को उसी जगह से उठा लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि ली उससे सच्चा प्यार करती है। एंड लास्ट में वो ली को वहाँ से उठा लेता है और अपने कमरे में ले जाकर उससे शादी कर लेता है और मूवी